आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 107-16 या 151 में पुलिस गिरफ्तार क्यों करती है, और जब पुलिस आपको 107-16 या 151 में गिरफ्तार करती है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। और साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की अपडेट। तो अब हम जानते हैं 107-16 सीआरपीसी का। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता है, जो अपराधियों को दंड दिलाने का काम करती है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है ये। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है ये। अब हम जानते हैं कि 107-16 और 151 की कार्यवाही पुलिस क्यों करती है। देखिए, जब भी पुलिस को ये आशंका होती है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, यानी अपराध किए जाने की संभावना है, तो ऐसी दशा में पुलिस 107-16 और 151 की कार्यवाही करती है। 107, 116 ये सीआरपीसी की धाराएं हैं, 151 भी सीआरपीसी की धाराएं हैं, पुलिस इनमें गिरफ्तार करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज जान ले कि 107-16 का पावर किसको है और 151 का पावर किसको है। देखिए, 107-16 में पुलिस क्या होती है कि पुलिस को आशंका होती है कि अपराध हो सकता है, तो ऐसी दशा में पुलिस अपने निकटवर्ती मजिस्ट्रेट को सूचना देती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मजिस्ट्रेट समन इश्यू करता है और आवश्यकता पड़े तो वो वारंट भी इश्यू कर सकता है, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही मजिस्ट्रेट यानी जो एसडीएम होता है, एसडीएम समन इश्यू कर देता है, उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बोलता है और कहता है कि हेतुक दर्शित करे कि क्यों ना आपको 107-16 में पाबंद किया जाए। ऐसा व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होता है एसडीएम न्यायालय के समक्ष और हेतुक दर्शित करता है। उस समय क्या होता है, जब 107-16 में जो अभियुक्त होता है, जिस किसी का नाम समन इश्यू किया जाता है, वह व्यक्ति उपस्थित होता है, और उपस्थित होने के समय वह व्यक्ति अपने साथ एक जमानती भी लेके आता है। जमानती के लिए उसके पास जो भी जमानती होता है उसके नाम से कोई व्हीकल रजिस्टर्ड हो, उसकी आरसी साथ में लेके आते हैं, या फिर उसके नाम कोई जमीन वगैरह नाम है तो उसकी जमाबंदी साथ लेकर आते हैं। ये सब चीजें साथ इसलिए लानी पड़ती है क्योंकि एक जमानती जमानत देता है उसे छोड़े जाने की, कि अब जांच कर ले, अगर जांच में दोषी है तब तक के लिए जमानत ली जाती है, तो दोषी होगा तो कार्यवाही अलग से, 107-16 के लिए वैसे ही कार्रवाई होनी है। और अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम निर्दोष हैं, तो ऐसी दशा में भी जमानती आपको लाना पड़ता है। आप एसडीएम को कह सकते हैं कि साहब इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, आप मामले की जांच करें, तब तक के लिए आप जमानती दे दें, और उस मामले में एसडीएम जांच करेगा। अगर आपको वास्तव में है, पता है कि आप उस मामले में निर्दोष है, आपने ऐसा कोई मामला सोचा भी नहीं है, किया भी नहीं है, तो ऐसी दशा में कोई तकलीफ नहीं है, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। एसडीएम के समक्ष भी अगर जांच की उचित रूप से आपको लगता है इस मामले में जांच नहीं की गई, तो आप रिवीजन में जा सकते हैं सेशन न्यायालय में, और सेशन न्यायालय में भी आपके मामले पर सुनाई होगी। अब सबसे बड़ी बात आप ये जान ले कि 107-16 की कार्यवाही किसी भी अपराध के किए जाने से पहले की जाती है। तो ऐसी कार्यवाही का, यानी जो भी आपसे बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, जिसके आधार पर आपको छोड़ दिया जाता है, ऐसी दशा में यानी इस कार्यवाही का किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ आप ये भी जान ले कि 107-16 की जब भी कार्यवाही की जाती है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है, उस व्यक्ति को पुलिस कभी भी पकड़ कर लेकर नहीं आती है, यानी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती, उस व्यक्ति को स्वयं ही एसडीएम कोर्ट के समक्ष आना होता है। अब बात करते हैं 151 की। देखिए, जब कोई अपराध घटित होने वाला होता है और इन मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी लोग होते हैं जो किसी अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई अपराध घटित नहीं किया, तो ऐसी दशा में उन्हें 151 में गिरफ्तार करके एसडीएम कोर्ट के समक्ष पेश करती है। 151 में पुलिस हमेशा गिरफ्तार करती है, जबकि 107-16 में पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं करती। 151 में जब पुलिस को किसी अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है, और मौके में उन अपराध को घटित किए जाने के प्रयास किए जा रहे होते हैं, तो ऐसी दशा में गिरफ्तार कर ली जाती है, यानी अपराध को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। सेम प्रोसीजर है 151 में भी, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष यानी जो एसडीएम होता है उसके समक्ष पेश किया जाता है, उस समय भी जो जमानती होता है आप जमानती को पेश करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार हो या जो आपको जानता हो पहचानता हो, वो आपकी जमानत देता है, और जमानत के आधार पर पुलिस आपको छोड़ देती है। ऐसा एसडीएम के आदेश के बाद किया जाता है।
एक चीज आपको ध्यान रहे कि 151 में जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस ऐसी दशा में 24 घंटे के भीतर भीतर आपको एसडीएम कोर्ट के समक्ष पेश कर देगी। तो 107-16 और 151 में जो डिफरेंस है वो ये है कि 107-16 तो मात्र अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है कि हाँ ये अपराध हो सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता 107-16 में, और उसके आधार पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो एक समन जारी करता है कि क्यों ना आपको पाबंद किया जाए। 107-16 में लगभग 6 माह तक का सबको पाबंद किया जाता है, हालांकि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पाबंद किया जा सकता है, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, लेकिन लगभग जनरली देखा जाता है एसडीएम कोर्ट में, तो जितने भी मैंने आज तक मामले देखे हैं उनमें 6 माह के लिए पाबंद किया जाता है कि आप परेशान्ति भंग नहीं करेंगे। 107-16 और 151 का दोनों का उद्देश्य यही है कि परेशान्ति भंग ना करे, परेशान्ति बनाए रखे, यानी लोग प्रशांति बनाए रखे, इन्हें भंग ना करे। अब 151 में क्या था कि पुलिस एन मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल पर पहुंच जाती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे ए ने पुलिस को सूचना दी कि बी मुझ पर हमला करना चाहता है, पुलिस एन मौके पर पहुंचती है और बी उस समय ए के घर के सामने लाठी लेकर खड़ा होता है, तो पुलिस क्या पाती है कि वो व्यक्ति उस पर हमला करना ही चाहता है, वहां तैयारी के साथ खड़ा, तो ऐसी दशा में पुलिस उसे 151 में गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है, उसके बाद 24 घंटे के बाद कोर्ट में पेश कर देती है। अब 151 के साथ हम 107-16 को समझते हैं। 107-16 में क्या कंडीशन होती, यदि ए पुलिस को सूचना देता कि बी है, मेरा पड़ोसी है, मुझे इस रूप में डिस्टर्ब कर रहा है, सिविल नेचर के जो काम होते हैं वो 107-16 के होते हैं, जैसे बी दीवार तोड़ रहा है या बी ये काम कर रहा है वो कर रहा है जिससे मुझे क्षति हो सकती है या भविष्य में कोई अपराध घटित हो सकता है, मैं भी अपराध कर सकता हूं, तो ऐसी दशा में पुलिस वहां जाती है और 107-16 के लिए मजिस्ट्रेट को सूचना देती है, एसडीएम को, एसडीएम अगर पाता है तो समन इश्यू कर देता है और फिर एसडीएम कोर्ट में कारण दर्शित करने के लिए उसे उपस्थित होना होता है, वहां पर जमानत देनी पड़ती है और जमानत के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि 107-16 में पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं करती है, 151 में ही पुलिस गिरफ्तार करती है। तो सबसे मोस्टली आप ये जान लें कि 107-16 और 151 जो कि सीआरपीसी के सेक्शन है, 107-16 में पुलिस पाबंद करती है जो लगभग 6 माह तक के लिए पाबंद किया जाता है, जबकि 151 में पुलिस किसी अपराध के किए जाने की परिस्थितियों में कि अपराध किया जा सकता है तब गिरफ्तार करती है, और फिर दोनों ही दशाओं में एसडीएम कोर्ट से जमानत लेनी होती है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोक प्रशांति कायम रखने के लिए इन दोनों ही धाराओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब पुलिस 107-16 में पाबंद करवाती है, एसडीएम कोर्ट से आदेश आते हैं, समन आते हैं, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि 151 में पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ पेश करती है, कितने समय में पेश करती है, 151 की कार्यवाही क्या है, 107-16 की कार्यवाही क्या है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही